लाखों रुपए की मोबाइल चोरी का पर्दाफाश हुआ है। बिहार से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लाया गया है। वह अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य है। शनिवार अवकाशकालीन अदालत में पेश कर उन्हें PCR में लिया गया है। समीर शाह उर्फ चेलवा मुस्तफा देवान और उसका साथी सलमान शाह उर्फ बेला मुस्तफा देवान बिहार के चंपारण पोकाई टोला घोड़ा सहन निवासी हैं। 14 और 15 नवंबर 2021 की दरमियानी रात महर्षि वाल्मीकि चौक स्थित वन प्लस सिल्वर शॉपी में चोरी हुई थी। आरोपियों ने शटर टेढ़ा कर दुकान में प्रवेश किया था। इसके बाद 27,41,550 रुपए के विविध कंपनियों के मोबाइल, पावर बैंक, हेडफोन और DVR चोरी की थी। इसमें कुछ नकदी भी थी। पुलिस ने जांच के दौरान परिसर के CCTV खंगाले। आरोपी अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य होने और उनका आपराधिक रिकॉर्ड होने से पुलिस ने उन्हें फुटेज से पहचान लिया। इसके बाद आरोपियों की तलाश में पुलिस दल को रवाना किया गया। आरोपियों की तलाश में पुलिस इंदौर रवाना हुई। वहां से पता चला कि आरोपी बिहार के चंपारण जेल में बंद है। उस वक्त किसी कारण से अदालत ने आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट के आधार पर देने से मना किया। दोबारा 22 नवंबर 2021 को पुलिस दल चंपारण गया। इस बार प्रोडक्शन वारंट के आधार पर उन्हें वहां की जेल से गिरफ्तार कर लाने में सफलता मिली। शुक्रवार को उन्हें नागपुर लाया गया है। अभी तक आरोपियों से चोरी के माल का पता नहीं चला है, लेकिन वह चोरी में लिप्त है और अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में प्रकरण दर्ज है। समीर के खिलाफ 18 और सलमान के खिलाफ 9 प्रकरण दर्ज हैं। आरोपी चोरी का माल भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल आदि देशों में बेचते थे। आरोपियों को अदालत में पेश कर PCR में लिया गया है। वरिष्ठ निरीक्षक डॉक्टर अशोक बागुल, सहायक निरीक्षक अचल कपूर, उप निरीक्षक साई केंद्रे, दीपक अवचट, अंकुश घटी, अमित भूरे, प्रशांत गायधने, सतीश कोरेमारे और नीतीश ने की है। 14/9 सदरचा गुन्हा घडला होता। आम्ही 457-384 HBT गुन्हा दाखल केला होता। बट इन द कोर्स ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन तो गुन्हा याचे सेक्शन्स मोठे सिरियस आहेत असं लक्षात आलं। आमची टीम लेड बाय API मिस्टर अचल कपूर आणि साई केंद्रे आणि त्यांच्यासोबत दीपक अवचट, अंकुश, अमित भुरे, बाकीचे आमचे टीम वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली गेली होती बिहार चंपारण इथं। दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट चॅलेंजिंग काइंड ऑफ डिटेक्शन्स शिअरली फॉर द फॅक्ट दॅट हे जे गुन्हेगार आहेत यांनी अतिशय प्रोफेशनल पद्धतीने व्यावसायिकरित्या ऑर्गनाइज क्राईम सिंडिकेटच्या रूपात किंवा माफियाच्या रूपात हा गुन्हा केलेला होता। आणि तो गुन्हा आम्ही CCTV फुटेजच्या मार्फत जेव्हा डिटेक्ट केला तेव्हा हे आरोपी कुठून आले याचा ट्रेस करत 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 आम्ही शेवटी बिहार चंपारण्यापर्यंत जाऊन पोचलो। इंदौर, जबलपूर आणि इतर ठिकाणीसुद्धा या आरोपितांनी काही गुन्हे केल्याचं कळालेलं होतं। त्यामुळे आमचे API अचल कपूर, आमच्यासोबत सायबरला असलेला अमित भुरे ज्याला थोडंसं सायबरच्या याचं नॉलेज आहे आणि साई केंद्रे, PSI केंद्रे यांनी प्रचंड मेहनत घेतली होती आणि त्यावेळेस हे त्या आरोपींना ट्रेस करत 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 बिहारमध्ये पोचले होते। तर बिहार ईस्ट चंपारण जिल्ह्यामध्ये आम्ही जाईपर्यंत तिथल्या पोलिसांनी यांना NDPS केसमध्ये अटक केलं होतं, गांजा मिळालं होतं यांच्याकडे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपूर।